सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं 5-10 मिनट के लिए सो गया था और अभी टाइम सुबह के 5:30 हो रहे हैं। सो गाइस, अभी क्लोजिंग हो रही है और कथा ख़त्म हो गई है और आरती भी हो गई है और क्लोजिंग हो रही है सामान वगैरह की और फिर निकलेंगे घर की तरफ। तो हमारे रोहित भाई कर रहे हैं सामान की क्लोजिंग और गाइस बाबा जी कर रहे हैं सामान की पिछाड़ा धू कहाँ से आ जाते हैं और भगतों कड़ा और भगत लोग देखिए सभी के सभी सो गए हैं और ये लोग जागे हुए हैं, बाकी सभी सो गए। इनको देखो, ये भी सो गए, उठा भी सो गए, उठा सो। गाइस, रात को देखा होगा आपने यहाँ पे कितनी भीड़ थी और अभी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सभी के सभी चले गए। और ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का सिस्टम हो चुका है, अभी क्लोजिंग हो चुकी है और अपने अपने घर में सभी जा चुके हैं और सो चुके हैं और सामान ढो रहे हैं हमारे तानी भाई, वो देखिए सामने, संजय और निखिल भी आ रहे हैं। हो चुका है और सुबह की उजाला भी हो चुका है और यहाँ पे मैं भी है। मुंडी भारी मजाक हो रहा है यहाँ पे और बड़ा भारी भारी और बड़े बड़े गोते लग रहे हैं इधर उधर। गाइस, मैं उतर चुका हूँ गाड़ी से और बस जा रहा हूँ घर की तरफ। 2 मिनट में मैं पहुँचने वाला हूँ, घर जाके देखते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन ठंड लगी है, तो मैंने ये भी ले लिया था मफलर, जैकेट भी डाली थी। तो अभी घर चलते हैं क्योंकि थक भी गए हैं काफ़ी, तो चलो चलते हैं। आंखें देखो इसकी, ओ भाई नींद में हो, अभी नींद में हो, आंखें देखो इसकी नींद में, अभी उठ जाते हैं इतनी देर सो ही नहीं रहते। और एक तुम हो कि अभी उठ रही हो, क्या यार। 2000 years later, इस आज का जागरण हमारा हमारे गांव में है और यहां पे आप देख सकते हैं अभी खाने का हो रहा है प्रबंध और खाने की तैयारी चल रही है यहां पे। और दरबार भी लग चुका है और देखिए कुछ इस तरह का सीन चल रहा है अभी। और गाइस, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी लोग और आए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अरथोली मल्ला रोड पे जागरण करके निकल रहे हैं पार्टी वाली। तो गाइस, हम लोग बीच रास्ते में भी पहुँचे हैं और ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट में हम लोग घर भी पहुँच जाएंगे। चश्मा मैंने इसलिए लगा लिया क्योंकि मिट्टी वगैरह बढ़ती है और इसलिए क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है बाबा जी, बाय। तो गाइस, ये बाबा जी हैं, ये निकल जाएंगे अपने घर, यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर रह जाएंगे, तो बस वगैरह लग जाएंगे। और सो गाइस, ये हमारे रोहित भाई और आप देख सकते हैं हमारे रोहित भाई कितने स्मार्ट लग रहे हैं और यहाँ पे आज पानी वगैरह भरा जा रहा है। ऋषि भाव क्या हाल है? यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो गद्दी चरवाहे हैं वो पहाड़ों से उतरते हुए अब निचले इलाकों में जा रहे हैं। और ये गाइस मेरे जो चाचा जी हैं उनका ये माल है। और ये हमारे भाई, ये मेरा माल है। और देखिए गाइस, देखिए ये फॉलो कर रही हैं, वो आगे जा रहे हैं चाचा जी, और भेड़ बकरियां सिर्फ इन्हें फॉलो कर रही हैं।
इधर उधर नहीं जाएंगे, इनके पीछे ही जाएंगे, आप देख सकते हैं। थोड़ी ट्रैफिक की वजह से दिक्कत हो रही है, वो देखिए इनके पीछे ही जाएंगे। आप बस एंजॉय कीजिए और देखते रहिए। सामने काफ़ी ट्रैफिक हो चुकी है और बस ये निकलने ही वाले हैं अभी रोड साइड से, और हम लोग भी अब घर जा रहे हैं। तो गाइस ट्रैफिक और ऐसा कुछ रहता है गाइस, गद्दी लोगों का, गद्दी चारवाहों का जीवन, और हमारा भी गाइस यही काम था, मेरे पापा जी भी यही काम करते थे, और मैं भी गाइस काफ़ी रहा हूँ भेड़ बकरियों के साथ, और काफ़ी स्ट्रगलर भरी लाइफ होती है ये, बहुत ही कठिन लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से आजकल का टाइम ऐसा आ गया कि ट्रैफिक 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 और कुछ नहीं, तो आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक, मतलब बुरा हाल है। मुझे नहीं लगता गाइस ये भेड़ बकरियों का काम ज़्यादा साल चलेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन पहाड़ों में कहाँ घूमेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा और ये काम ख़त्म हो जाएगा अब। तो आपने देख ही लिया कैसा होता है ये, ऐसा था ये। और हिमाचल में तो इतनी ट्रैफिक हो रही है धीरे धीरे, मतलब बुरा ही हाल है। कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, धड़ाधड़ निकल रही हैं सभी की सभी। जो हिमाचल की गाइस सड़क है वो भी सिंगल है, पता नहीं क्या है, ये देख ही सकते हैं आप। जो पंजाब जो कि पंजाब की सड़कें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और चौड़ी हैं, हिमाचल में ऐसी फैसिलिटी चाहिए, हो सकती है लेकिन पता नहीं कब होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रैफिक, अब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होने वाली है यहाँ पे, बुरा हाल होने वाला है।